तो हेलो मेरा रेटर फैमिली दोस्तों, बजाज के पास अभी तक एक भी रेट्रो बाइक अवेलेबल नहीं है जो कि रॉयल इनफील्ड को टक्कर दे सके, लेकिन बजाज अब बहुत ही जल्द ट्रायंफ के साथ कोलैबोरेशन में आने वाली एक रेट्रो बाइक को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में इसी साल बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है, जिसका इंडियन टू व्हीलर मार्केट में बजाज की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन हो गया है और ये बाइक इसी साल आपको 100% देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों बजाज की तरफ से आने वाली यह एक पहली रेट्रो स्कैम्बलर कैटेगरी की बाइक होने वाली है, जिसका जो प्राइस है वो आपको इंडिया में काफी कम देखने के लिए मिलेगा और इस बाइक के जो लुक वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बाइक इंडिया में कब तक लॉन्च हो जाएगी और इस बाइक का जो प्राइस अब आपको इंडिया में कितना देखने के लिए मिलेगा, तो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में रेट्रो बाइक की आजकल डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण सभी टू व्हीलर कंपनियां अपनी अपनी रेट्रो बाइक को इंडिया में लॉन्च करने में लगी हुई हैं, लेकिन बजाज के पास अभी तक कोई भी स्कैम्बलर कैटेगरी की बाइक अवेलेबल नहीं है, इसलिए बजाज और ट्राइम्प मिलकर एक रेट्रो बाइक को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम इस बाइक के लुक्स के बारे में, इस बाइक में आपको कैसे लुक देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाला है, और इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में देखने के लिए मिलेंगे, और दोस्तों इस बाइक की जो रियर टेल लाइट है वो राउंड शेप की मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। अगर हम इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में बात करें तो इस बाइक में आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। कंपनी इस बाइक में आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड करवाने वाली है, जिससे आप इस बाइक से लॉन्ग राइड आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा बाइक में आपको 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स सेटअप भी देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 349cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve DTSI इंजन देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग और इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 2,90,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, और अगर हम इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक जुलाई के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों ये बाइक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।